वापिस खेलने वाले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। सो गाइस आज की इस वीडियो में बनाने वाला हूँ मेरे लिए एक स्टार्टर हाउस या स्टार्टर हाउस बात या स्टार्टिंग में देखो इतना बड़ा हाउस नहीं बना सकते, तो मैंने सोचा स्टार्टर हाउस ही बना लेते। तो मैं बनाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में एक हाउस, लिटरल हाउस, और वो भी थोड़ा अजीब, ठीक है ना। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो बता देता हूँ मैं बनाने वाला हूँ बोट हाउस, जो वीडियो एंड तक जरूर देखना यार, बहुत बढ़िया वीडियो है। सो प्लीज़ एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो करते शुरू। तो मैं बोट हाउस बनाने वाला हूँ स्प्रूस वुड का। सो उसके लिए मुझे स्प्रूस वुड भी चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग शुरू की एंड मुझे स्प्रूस वुड भी मिल गई, ठीक है ना। तो मैं वहाँ से लेके आ गया, मैं क्लिप्स भी आपको आगे बताऊँगा। एंड मुझे एक ओपन माइन मिली जिसमें ओपन माइन शाफ्ट है, जो कि हम अगले वीडियो में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, तो वो क्लिप्स देख लो। जैसे बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं। मैं इस जगह बनाऊंगा बोट हाउस एंड यहाँ पे थोड़ी सी मैंने वुड कलेक्ट करके रखी है, बाकी का सामान धीरे धीरे मैं कलेक्ट कर दूंगा। एंड चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के बेस बनाना शुरू करते हैं। एंड या गाइस वहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे वो पिलेज आउटपोस्ट, यार उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, ये भी मुझे अभी पता चला है, ठीक है ना। फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा भी नहीं। तो यहाँ पे अभी हम ब्रिज बनाते हैं, जहाँ पे हमारा बेस बनेगा वो बेस बनाता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ सीधे वीडियो में। सो गाइस बेस रेडी है पूरा, आप देख सकते हो ये बस हो गया, ठीक है ना। इतना बड़ा, इतना और बड़ा बनेगा लाइक। तो अभी मैं बिना टाइम वेस्टिंग किया वो भी बना। सो गाइस बेस ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है ना, 90% बेस बन गया। अब मैं वो बनाऊंगा जहाँ पे हम रहेंगे, लाइक हमारा चेस्ट रूम, फर्नास वगैरह जहाँ पे रहेगा वो बनाऊंगा। तो ये क्लिप मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, सो एंजॉय फास्ट फॉरवर्ड पार्ट। फाइनली गाइज मैंने बना लिया अपना बोट हाउस पूरा, एक घंटे की मैंने रिकॉर्डिंग को तो यार 1.5 घंटा हो चुका है, पर फाइनली मैं बोट बना लिया। ट्यूटोरियल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, आप वहाँ जाके देख सकते हो ट्यूटोरियल, अपने वर्ल्ड में बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्टिंग के आपको बताते हैं 1, 2 एंड 3। तो गाइज कैसा लगा आपको बोट हाउस जरूर बताना, वीडियो भी ख़त्म नहीं हो, ठीक है ना, पूरा टूर करूँगा। तो आप बताना कमेंट में आप इसको 10 में से कितने मार्क्स दोगे। तो अभी चलते हैं बोट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पानी के अंदर है एंड ये जो आप लैडर देख सकते हो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं बोट के, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्राफ्टिंग टेबल हमारे लिए एंड ये बैनर, अभी थोड़ा सा डिजाइन करूँगा इसको यहाँ बाद में, और यहाँ पे 2 और लगाने हैं, और ये छोटा सा चेस्ट, 3 चेस्ट एंड 3 बैरल लगे हुए, ठीक है ना। आप देख ही पा रहे हैं 3 चेस्ट 3 बैरल 3 फर्नास, यहाँ पे एक आर्मर स्टैंड जहाँ पे हम आगे बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग के बाद हम वहाँ पे एक आर्मर रखेंगे, सेकंड आर्मर, ठीक है ना। ये मैंने कैंप फायर लगा दी ऊपर, एक थोड़ा स्मोक वाली फीलिंग आई यार, गुड लुकिंग दिखे, ठीक है ना। बहुत ही ओपी बना है मेरे हिसाब से, तो बहुत मेहनत लगी। आप अपने हिसाब से कमेंट में बताना 10 में से कितने दोगे। एंड ये देख सकते हो एक बहुत छोटा सा स्टार्टअप बेस है, आगे मैं लाइक और भी बनाऊंगा, ठीक है ना, एक बड़ा सा बंगला बनाऊंगा आगे। तो अभी यार मुझे स्टार्टर के लिए हाउस चाहिए था, मैंने बनाया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सामान रखना शुरू भी कर दिया, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सामान रखा इस चेस्ट में, ठीक है ना। तो यार यही था एक छोटा सा बोट हाउस। तो अभी बिना टाइम वेस्टिंग के अपना आउटरो करते हैं, तो चलिए बढ़ते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर देना, या प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। आप बहुत ओपी हाउस है, कमेंट में बताना 10 में से कितने नंबर दोगे। एंड प्लीज़ अगर आपके पास कम्युनिटी टैब का ऑप्शन है, यहाँ तक देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, तगड़ा बनाए
एंड 10 एपिसोड होने के बाद मैं अपना वर्ल्ड डाउनलोड लिंक दूंगा। तो सर्वाइवल सीरीज पे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगली ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।